देश में जिसको भी लगता हो कि मौत के जिम्मेदार वो लोग हैं जो रविवार की शाम मोरबी के अपने शहर के झूलने वाले पुल पर चंद पलों की खुशियां समेटने चले गए, देश में जिसको भी लगता है कि भीड़ बनाकर जनता चली गई तो पुल गिर गया इसीलिए जनता जिम्मेदार है, देश में जिसको भी लगता है कि सरकार और सिस्टम क्या क्या कर दे, आज उनको हम ये रिपोर्ट दिखाकर बताना चाहते हैं कि सिस्टम चाह ले तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन दिक्कत सिर्फ यही है कि कुछ नागरिकों की मौत किसी हादसे, किसी दुर्घटना, किसी लापरवाही के बाद ही नींद सरकारी व्यवस्थाओं की कुछ देर के लिए टूटती है। रविवार रात तीन भयानक तस्वीरों को याद करिए, मोरबी का पुल टूटा, पुल की टूटी हुई जाली और तार को पकड़कर सैकड़ों लोग जिंदगी बचाने की कोशिश करते दिखे। घटना चाहे मोरबी की हो या हादसा देश में किसी और जगह का। कुछ लोग कहने लगते हैं कि सरकार और सिस्टम जनता के लिए क्या क्या कर दे, उन्हीं कुछ लोगों को जवाब है, सरकार और सिस्टम चाह ले तो जनता के लिए सब कुछ कर सकती है। क्योंकि मोरबी का जो प्रशासन पांच दिन तक ये खुद जाकर नहीं देख पाया कि ओरेवा कंपनी की तरफ से तैयार हुआ पुल क्या वाकई जनता के लिए खोलने लायक है, उसी मोरबी के प्रशासन ने रात भर में मोरबी के सिविल अस्पताल की काया पलट दी। मोरबी के प्रशासन में इतनी ताकत तो है कि जिस सड़क से प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला हो उसे कुछ घंटे पहले यू गिट्टी बिछाकर, तार पोल डालकर, रोड रोलर चलाकर मजबूत कर दे। बस काश जो सरकार और सरकारी सिस्टम प्रधानमंत्री के आने से पहले चंद घंटे में सड़क बना देने की हिम्मत रखता है, उसी ने पांच दिन में एक बार चेक कर लिया होता कि ओरेवा कंपनी की तरफ से बनाया गया पुल कितना मजबूत है, जनता इस पर क्या चल सकती है। सरकारों और व्यवस्था के कर्ता धर्ता के पास संसाधनों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी निभाने की। मोरबी में जो प्रशासन ये नहीं देख पाया कि मोरबी के पुल पर कितनी भीड़ जा रही, उन्हें रोका जाए या नहीं रोका जाए, उसी प्रशासन के लोगों ने मोरबी के सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले दो दिन के भीतर तीन बार तो पुल हादसे के जख्मी लोगों के बेड की चादर बदल दी। बस चादर घंटों घंटों में बदलने वाली सरकार और सरकारी व्यवस्था अपनी जानलेवा लापरवाहियों की नीति वाली मैली चादर भी बदलना सीख ले तो मोरबी के इस परिवार पर एक साथ सात लोगों की मौत के बाद जो पहाड़ टूटा वो न टूटता। सात लोगों की जिंदगी एक झटके में गवा देने वाले मोरबी के इस परिवार के लोगों ने चार बच्चे खोए, 130 से ज्यादा मौत में 45 बच्चों ने दम तोड़ा है। मोरबी का ये परिवार उन्हीं के लिए दुआएं पढ़ रहा है। कुछ पता नहीं चला कैसे टूटा, बस थोड़ा खाईला तो टूटी गया, बधाई हेठे आवी गया, बच्चे पानी में जमे पड़ा तो मारा हाथ में रोड आवी गया तो मैं पकड़ी ली। तो बस काश जो सरकारी व्यवस्था के अधिकारी प्रधानमंत्री के अस्पताल आने से पहले रातों रात रंग रोगन का काम युद्ध स्तर पर करा सकते हैं, उसी व्यवस्था के लोग एक दिन जाकर पुल जांच लेते या ओरेवा कंपनी के लोगों को बुलाकर पूछ लेते तो हादसा ना होता। दुखी सी बात का है कि जिस मोरबी में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले 40 लोगों की टीम रात भर में अस्पताल को चमका देने के लिए लगा दी गई, उसी मोरबी में प्रशासन का एक आदमी पांच दिन तक ये झांकने नहीं गया कि बिना एनओसी के कैसे झूले वाला पुल खुल गया और फिर गिर गया।